यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसका 19 से लेकर 23 तक है, हम पढ़ेंगे इसे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ जेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। देखिए 19 वचन में लिखा, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। हालेलुया। यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने के बाद चेले जो थे वो एक जगह एक घर पर इकट्ठा थे, लेकिन दरवाजा बंद करके वो एक घर पर छुपे हुए थे यहूदियों के डर से। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को बहुत दर्दनाक दंड दिया, बहुत दर्दनाक मौत दिया, जिसको पत्रस और चेलों ने देखा और देख करके वो बहुत भयभीत हो गए थे। और इसलिए उन्होंने अपने आप को एक गुप्त स्थान में, मतलब एक घर पर अपने आप को, उन्होंने दरवाजा बंद करके अपने आप को छुपा लिया था यहूदियों के डर के मारे, कि कहीं इसके बाद में यहूदी हमको दंडित ना करें या ऐसी दर्दनाक मौत हमको ना मिले। और उस डर से ये जो सारे चेले थे, ये एक जहाँ एक रूम था जहाँ वो रह रहे थे वहाँ पर थे, वो भी दरवाजा बंद करके और डर में थे, वो डर में जीवन जी रहे थे। हालेलुया। मैं आपको बताऊँ मेरे प्रियो कि क्यों चेले डर रहे थे और डर में जीवन जी रहे थे, इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता था अब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी है तो अब सब खत्म। जो यहूदियों का जो हमारा राजा था, जो हमारा प्रभु था, जो हमारा बचाने वाला था, अब वही नहीं रहा तो हमको कौन बचाएगा, अब तो हम अकेले हो गए। और ऐसी असुरक्षा की भावना उनके अंदर में आ गई और वो उनको डरा रही थी। ये असुरक्षा की भावना कि प्रभु यीशु मसीह तो मर गए हैं, अब तो सब कुछ खत्म, अब तो हमारा प्रभु हमारे साथ में नहीं रहा, कौन हमको बचाएगा और कौन हमारी रक्षा करेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम जब बाहर घूमने लगे यहूदी हमको देखे, हमको भी दंडित करे और हमको भी मार दे। इस डर से वो लोग छुपे हुए, इस डर से क्यों डर रहे थे वो, उनकी अज्ञानता के कारण। क्यों डर रहे थे वो, उनके अविश्वास के कारण। अज्ञानता से अविश्वास आता है और अविश्वास से डर पैदा होता है। क्यों चेले डर रहे थे, क्योंकि वो समझ नहीं रहे थे कि यीशु मसीह के जीवन में जो घटना घटी, कि कलवरी क्रूस पर उनको लटकाया गया, उनके सर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, उनके पसली पर भाला मारा गया, उनके हाथों और पैरों पर अखील को ठोका गया और ऐसी दर्दनाक मौत यीशु मसीह को मिला और वो कलवरी क्रूस पर मारे गए और गाड़े गए और अब वो कब्र में से तीसरे दिन जी उठेंगे। ये बात चेले समझ नहीं पा रहे थे, ये स्पिरिचुअल रीजन चेले समझ नहीं पा रहे थे। और सरल करूं, ये सुसमाचार को चेले समझ नहीं पा रहे थे। चेले सोच रहे थे अब कहानी खत्म, हमारा प्रभु मर गया, कहानी खत्म, अब हमको कौन बचाएगा। असुरक्षा की भावना उनको डरा रही थी। असुरक्षा की भावना कहाँ से आई, उनके अज्ञानता के कारण से, क्योंकि वो स्पिरिचुअल रीजन को समझ नहीं पा रहे थे। वो स्पिरिचुअल रीजन जो यीशु मसीह के साथ में हुआ, जो यीशु के साथ में हुआ, जबकि मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ में 3 साल रहे, 3.5 साल तक के वो यीशु मसीह के साथ में रहे चले। और यीशु मसीह ने ये 3.5 साल में उनको कई बार बताया ये बात कि मेरे इस संसार में आने का रीजन क्या है, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए, उनके उद्धार के लिए, मैं अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दूंगा।
उन्होंने बताया मेरी मौत कैसे होगी। मैं कुरनियों से, यहूदियों से, शास्त्री फरीसियों से मैं दुख उठाऊंगा। उन्होंने ये बात बताया था उनको। लेकिन चेले उस समय में सुसमाचार को और पवित्र आत्मा के इन बातों को वो समझ नहीं पा रहे थे, पवित्र शास्त्र की इन बातों को वो समझ नहीं पा रहे थे। वो यीशु मसीह जो उनको समझा रहा था, जो सुसमाचार बता रहा था कि मैं इसलिए आया कि सुसमाचार स्थापित हो जाए, मानव जाति का उद्धार हो जाए, मानव जाति के पापों की क्षमा हो जाए, मानव जाति नरक जाने से बचाई जाए, मानव जाति शैतान के हाथों नष्ट होने से बचाई जाए, आत्माएं परमेश्वर की सृष्टि शैतान के हाथों नष्ट होने से बचाई जाए। इसलिए मैं इस संसार में आया, मैं जीने के लिए नहीं आया, मैं आया ही हूँ मरने के लिए। क्यों? ताकि मैं मरूंगा तो मानव जाति जिएगी, और जब मैं तीसरे दिन जी उठूंगा तब मानव जाति मेरे साथ स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाएगी। ये काम के लिए यीशु मसीह आए, और 3.5 साल तक यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बात बताया, लेकिन चेले उस समय भी नहीं समझ पा रहे थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे। और हुआ क्या, जब यीशु मसीह का समय निकट आया मृत्यु का, तो सारी घटनाएं घटी। वो कल वही क्रूस पर लटकाए गए और मर गए, बहुत दर्दनाक मौत मरे, और चेले उसको देख करके भयभीत हो गए, डर गए और बोले जब हमारे प्रभु का ये हाल है, प्रभु के साथ में इन लोगों ने ये हाल किया और हमारा प्रभु अपने आप को नहीं बचा पाया, तो हमारा क्या हाल करेंगे, हम कैसे अपने आप को बचाएंगे। अज्ञानता थी, वो समझ नहीं पा रहे थे वो आत्मिक रीजन को कि यीशु मसीह तो मृत्यु के लिए आए थे और वो गाड़े जाएंगे और वो तीसरे दिन जी उठेंगे। ये बात चेलों को नहीं मालूम थी कि वो तीसरे दिन जी उठेंगे। उन्होंने कहा यीशु खत्म, कहानी खत्म, सब कुछ खत्म। यह अज्ञानता ने उनको असुरक्षा की भावना दी, और यह सुरक्षा की भावना से अर्थात यह अविश्वास ने उनके अंदर में डर को पैदा किया। समझ में आ रहा, चेले डर रहे थे। आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, जैसे चेले डर रहे थे और लिखा है द्वार बंद और चेले डर रहे थे। आपको मालूम है आपका डर आपके लिए आशीष का, सफलता का, उन्नति का द्वार बंद कर देता है। याद रखिएगा, आप खुद बंद करते हैं, क्योंकि डर, अगर आपके अंदर में डर है तो आपने अपनी उन्नति को बंद कर दिया है जो प्रभु से आने वाली है। मतलब प्रभु से जो आपको आशीष मिलने की है, चंगाई मिलने की है, छुटकारा मिलने की है, उन्नति मिलने की है, बरकत मिलने की है, जो कुछ भी प्रभु से आपको मिलना था आपने उसको बंद कर दिया, क्योंकि डर का मतलब होता है द्वार बंद। ये तो समझ में, बार प्रभु ने यह बात बोला, मत डर, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। जब हम डरते हैं तो बाइबल बताता है 1 तीमोथियस 7:7 में ऐसा लिखा हुआ है कि मैंने तुमको डर की आत्मा नहीं दी है, तो मैंने तुमको प्रेम, संयम और धीरज की आत्मा दी है। तो जब डर की आत्मा प्रभु ने नहीं दिया तो यह डर की आत्मा कौन दिया? ये दुष्ट आत्मा है, ये शैतान ने दिया डर का आत्मा, ये एक दुष्ट आत्मा है। जान लो, अगर दुष्ट आत्मा को आप अपने अंदर में आने की अनुमति दे रहे, अगर वो आ गया तो वो डर आपके सारे द्वार को आशीषों के बंद कर देगा। डर कहाँ से आता है? असुरक्षा की भावना। असुरक्षा की भावना कहाँ से आती है? अविश्वास। अविश्वास कहाँ से आता है? अज्ञानता। मेरे प्रियो, अय्यूब डरता रहा। अय्यूब 3:25 में लिखा, अय्यूब बोलता है जिस बात से मैं डरता हूँ वही बात हो जाता है, जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही बात मुझ पर आ पड़ती है। इसी कारण मेरे प्रियो मत डरो, हमको डर की आत्मा नहीं दी गई है। याद रखो, डर को रिसीव मत करो। हालेलुया। यहाँ पर चेले डर रहे हैं, द्वार बंद है और चेले डर रहे हैं। उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, आज कई विश्वासी डर रहे हैं, असुरक्षा की भावना में है, वो बीमारी से डर रहे हैं, वो असफलताओं से डर रहे हैं, वो शैतान से डर रहे हैं, अंधकार से डर रहे हैं, वो उनका डर का जीवन है। आज मैं देखता हूँ मेरे प्रियो, चर्च में बच्चे आ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई में डर रहे हैं। कौन डरा रहा है? शैतान। कई विश्वासी नौकरी में अपने बॉस से डर डर के रहते हैं। कौन डरा रहा है? शैतान। कई लोग बिजनेस में डर रहे हैं, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, गिर तो नहीं जाएगा, डर रहे हैं। कौन दे रहा है ये डर? शैतान। बच्चों को रात में डर लगता है, कौन डरा रहा है? शैतान। कई लोगों को अंधकार से डर लगता है, कौन डरा रहा है? शैतान। कई लोगों को अकेलेपन से डर लगता है, कौन डर रहा है? शैतान। मतलब आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप डर रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, ये डर खुदा ने नहीं दिया है, ये डर खुदा ने नहीं दिया है। तो ये डर आपको क्यों आया?
क्योंकि अज्ञानता के कारण आप प्रभु यीशु मसीह को भूल रहे हैं। आप यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया आप वो भूल रहे हैं। हालेलुया। तो अज्ञानता आपको अविश्वास दे रही है, अविश्वास आपको असुरक्षा की भावना दे रही है, असुरक्षा की भावना आपको डरा रही है। और जब डर रहे हो तो आप खुद द्वार बंद कर रहे हो, क्योंकि डर जब आप रिसीव करोगे तो डर आपके लिए सब द्वार बंद कर देगा। मत डरो, हमको डरना नहीं है मेरे प्रिय। लेकिन ऐसा कैसे होगा, समझ में आया? चेले इसलिए डर रहे थे क्योंकि वो बोलते अब यीशु हमारे साथ में नहीं है, हमारा रक्षा करने वाला हमारे साथ में नहीं है, अब हमारे साथ में कुछ नहीं हो सकता। अज्ञानता के कारण असुरक्षा की भावना, और इसलिए वो डर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को अकेले देख रहे हैं, वो अपने आप अपने साथ में वो यीशु मसीह को नहीं देख रहे। आप क्यों डरते हो मालूम है? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ नहीं देखते। शारीरिक आंखों से आप उसको नहीं देख सकते, लेकिन आत्मिक आंखों से देखो, यीशु आपके साथ है। क्योंकि वचन कहता है, मेरे प्रियो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जाता हूँ लेकिन मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु मैं तुमको अपने नाम से मैं तुमको एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हारे साथ एवं वो तुम में रहेगा। हम अनाथ नहीं है कि हम डरते रहे, असुरक्षा की भावना। यीशु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पिता परमेश्वर हमारे साथ है। साथ नहीं, वह हमारे अंदर रहता है। हम डरते क्यों है? परिस्थितियों को देखते हैं तब। लेकिन जब आप यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को देखोगे, कहा अपने अंदर डर चला जाएगा। जब आप यीशु मसीह पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को देखोगे, कहा बाइबल में डर चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इसलिए डरते हैं क्योंकि जब हमको बीमारी होती है तो हम नहीं देखते यीशु मसीह है क्या हमारे आसपास में। हम लग जाते हैं, हम डर रहे हैं। किसी भी प्रकार का हो, बच्चों के भविष्य के लिए डर रहे हैं, नौकरी के लिए डर रहे हैं, बिजनेस के लिए डर रहे हैं, पैसों के लिए डर रहे हैं, विभिन्न माध्यम के विभिन्न कारणों की से डर रहे हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह को नहीं देख रहे अपने पास, आप पवित्र आत्मा को नहीं देख रहे। इसका आपका विश्वास अल्प विश्वास फिर अविश्वास में बदल रहा है। यहाँ पर चेलों का भी यही हाल था। वो इसलिए डर रहे थे क्योंकि वो यीशु मसीह को अपने साथ अपने पास नहीं पा रहे थे, और वो नहीं देख रहे थे, इसलिए वो डर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, देखो फिर से पढ़ो 19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के घर जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ, तब यीशु आया। मेरे प्रियो, ये पुनरुत्थित यीशु था जो मारा गया, गाड़ा गया और कब्र में से तीसरे दिन जी उठा था। सप्ताह का पहला दिन, समझ में आ रहा है, रविवार यीशु मसीह जी उठे सुबह के समय। यीशु मसीह आए, तब आए जब ये डर रहे थे, तब यीशु मसीह इनके पास में आए। और द्वार बंद था मेरे प्रियो, तो भी यीशु मसीह उनके बीच में आकर के अचानक उनके बीच में प्रकट हो गए। यीशु मसीह अचानक उनके बीच में क्या हो गए, प्रकट हो गए अचानक से। तो क्या वो आत्मा रूप में आए थे या वो देह के रूप में आए थे? आपको मैं बता दूं, वो देह के रूप में आए थे। आत्मा थी लेकिन आत्मिक रूप में नहीं, वो देह के रूप में आए थे। तो फिर उन्होंने कैसे बंद द्वार को पार कर दिया? क्योंकि बाइबल कहता है, जब हमारा देह पुनरुत्थान के लिए जब उठाया जाएगा तो ये पुनरुत्थित जो देह होगा ये महिमा से भरा होगा, ये तेज से भरा होगा। हालेलुया। वो देह में थे और जब देह में आए उनके बीच में अचानक से प्रकट हो गए। और प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट हुए तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं मालूम है? डरने वालों को तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। आपको एक बात बता दूं मेरे प्रिय, जब आप डरते हैं ना, आप यहाँ पर बहुत सारे हैं जो माता पिता बैठे हुए, जब बच्चे डरते हैं ना तो उस समय उनका जो बाप होता है या उनकी जो माँ होती है बच्चे को नहीं छोड़ते अकेले, तो बच्चे को और पकड़ लेते हैं जब बच्चा डरता है, और बच्चे को सहारा देते हैं और बच्चे को संभालते हैं, हाँ या ना? देखो, अगर एक बच्चा आपका बेटा अगर डर रहा है तो आप उसको क्या करोगे मालूम है? आप गले लगाओगे और उसको क्या कहोगे मालूम है? बेटा मैं हूं ना तेरे साथ, क्यों डर रही है, क्यों डर रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं तेरी रक्षा करने के लिए, मैं तेरे साथ में हूं, तू क्यों डर रहा है? तू क्यों ऐसा समझ रहा है मैं तेरे साथ में नहीं हूं? तू क्यों ऐसा समझ रही है मैं तेरे साथ में नहीं हूं? तू क्यों समझ रहा है तू अकेले है? तू क्यों समझ रही है तू अकेले है? मैं तेरे साथ में हूं, मत डर। यहां पर चेले डर रहे हैं, अचानक यीशु मसीह आ गए और यीशु मसीह क्या कह रहे मालूम है? मत डर, तुम्हें शांति मिले।
दुष्ट आत्माएं कितना भी प्रयास करे और आप जाने अनजाने में उनको अनुमति भी दे दो और वो आपके लिए दरवाजा बंद कर दे आशीषों का, तो भी टेंशन का बात नहीं है। क्यों मालूम है? यीशु मसीह के लिए कुछ बंद नहीं है और कुछ खुला नहीं। यीशु मसीह कभी भी किसी भी वक्त आपको कोई डर आपकी आशीष को रोक नहीं सकता, कोई गंदी आत्मा आपकी आशीष को रोक नहीं सकती, याद रखिए। कोई शैतान आपकी आशीष को रोक नहीं सकता, अगर वो प्रयास भी करेगा ना कि आशीष को रोके और बंद कर दे आशीषों के द्वार को, यीशु मसीह खोल के रख देंगे। निश्चिंत रहिए, बंद द्वार था लेकिन यीशु मसीह आ गए आशीष देने के लिए, शांति देने के लिए, जबकि उनका डर द्वार बंद किया था, उन्होंने द्वार बंद किया, लेकिन यीशु मसीह फिर भी बंद द्वार था फिर भी घुस गए। क्यों? आशीष देने के लिए। हालेलुया। इसी कारण मेरे प्रिय, आपका डर, आपका पाप, आपका कुछ भी आपको रोक नहीं सकता स्वर्ग जाने से, आपको रोक नहीं सकता आपको आशीषित होने से, क्योंकि आपका यीशु मसीह आपको उद्धार देके रहेगा, आशीष देके रहेगा, स्वर्ग ले जाके रहेगा। आपको मालूम है चेले डर रहे थे, अर्थात चेले पाप कर रहे थे, चेले पाप कर रहे थे। बाइबल में डर को बाइबल में पाप गिना गया है। पाप, अगर आप प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है मालूम है? उसमें ऐसा लिखा हुआ है, शुरुआत देखिए क्या हो रही है, परंतु डरपोक को और अविश्वासियों अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। सुनो मेरे प्रियो, डरना पाप को बताता है। अगर आप डर रहे हो इसका मतलब आप डरपोक हो, आप पाप हो। और मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, तुम्हें जाने वालों की अगर लिस्ट देखो तो सबसे पहले पर कौन है? डरपोक, जो हर बात पे डरते थे। प्रचार करने से डरेंगे, गवाही देने से डरेंगे, सेवा करने से डरेंगे, सब काम करने से डरेंगे। लेकिन जब यीशु मसीह आए और चेले डर रहे थे, चेले पाप कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह जब आए मेरे प्रियो, तो यहाँ पर यीशु मसीह उनके पाप के कारण से उनको फटकारे नहीं, उनके पाप के लिए उनको डराए नहीं, उनको फटकारे नहीं, उनको ये नहीं बोले कि तुम नर्क चले जाओगे, तुम ये करोगे तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। ये बात यीशु मसीह ने नहीं बोला। यीशु मसीह ने उनके पाप के लिए उनको फटकारा नहीं, परंतु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह उनके पास में आए, वो पापियों के पास आए जो पाप का, जो डर का पाप कर रहे थे, जब उन पापियों के पास में आए, यीशु मसीह बड़े प्यार से क्या बोलते हैं मालूम है? तुमको शांति मिले। तो ये बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप यूहन्ना 3 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, उसमें ये लिखा हुआ, यीशु मसीह मानव जाति को दंडित करने के लिए नहीं आए, नर्क डालने के लिए नहीं आए, परंतु यीशु मसीह काय के लिए आए? जगत का उद्धार करने के लिए आए और जगत का दंड अपने ऊपर लेने के लिए आए। वो नहीं डांट रहे हैं, उनको क्या बोल रहे हैं वो? तुम्हें शांति मिले। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह किसके लिए आए? वो धर्मियों के लिए नहीं आए, वो पापियों के लिए आए। काय के लिए? पापियों को नर्क जाने से बचाए। चेले पाप कर रहे हैं लेकिन यीशु मसीह काय के लिए आए? उनको बचाने के लिए। क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह मालूम है? तुम्हें शांति मिले। लेकिन उनको शांति कैसे मिलेगी? विश्वास अगर आप कर रहे हो तो चिन्ह क्या है? शांति। अविश्वास कर रहे हो तो उसका चिन्ह होता है डर। समझ में आ रहा है? तो उनको यीशु मसीह बोले तुम्हें शांति मिले। लेकिन उसके पहले यीशु आए तो यीशु उनसे कुछ बात किए और फिर कहे शांति मिले। और वो क्या बात किए? आप यूहन्ना उसका 24 अध्याय उसका 36 से लेकर 49 तक के घर में स्टडी कीजिएगा, सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे चेलों, मेरे बच्चों सुनो, 3.5 साल तक तुम मेरे साथ में रहे, मैं तुम्हारे साथ में रहा, और ये 3.5 साल तक मैंने तुमको बताया, मैंने तुमको बताया जो घटना घटी मेरे साथ में, कि मैं कलवरी क्रूस पर मारा गया, किस रीति से गाड़ा गया, और अब देखो कब्र में से 3rd दिन जी उठाऊं और देह के साथ में तुम्हारे सामने में खड़ा हूं मैं। देख लो ये जो घटना के विषय में मैंने तुमको बताया था कि ये घटना की भविष्यवाणी मूसा की व्यवस्था में लिखी गई थी, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखी गई थी, ये भजनकार के भजन संहिता में लिखी गई थी, और इस भविष्यवाणी के पूरा इस भविष्यवाणी का पूरा होना अवश्य था। और मैं क्यों आया इस संसार में? इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए मैं आया। ये बात मैंने तुमको पहले भी बताया लेकिन तुम समझ ना सके अपनी समझ की कमी के कारण से, परंतु मैं अभी फिर से बताता हूँ। ये इसलिए हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ कि यहूदियों ने चाहा और मुझे एक दर्दनाक मौत दिया, ये यहूदियों के चाहने से नहीं हुआ है,
ये किसी मनुष्य के चाहने से नहीं हुआ। यहूदी एकदम सामर्थ्य थे, शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने मुझे मार दिया। ये इसलिए नहीं हुआ, ये मनुष्यों के चाहने से नहीं हुआ, यह मनुष्य की योजना से नहीं हुआ, परंतु ये योजनाएं मेरे आने से हजार साल पहले की थी। भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में मेरे विषय में भविष्यवाणी थी, भजन संहिता में मेरे लिए भविष्यवाणी थी। मैं आया ही था इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, और अब देखो मैं इस भविष्यवाणी को पूरा कर चुका हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, क्योंकि इस भविष्यवाणी में लिखा था कि मसीहा आएगा, दुख उठाएगा, मारा जाएगा, और मसीहा के आने से, उसके दुख उठाने से, उसके मारे जाने से मानव जाति उद्धार पाएगी और पापों की क्षमा पाएगी, और मानव जाति इस प्रेम को देखकर अपना मन फिराएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये बात यीशु मसीह जब आए अपने चेलों को समझा रहे, तब चेले समझे, अच्छा मतलब ये तो वो घटना थी जो बहुत, ये परमेश्वर की ओर से था, ये मनुष्य की ओर से नहीं था, ये परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा इसलिए था कि ये घटना को पूरी करे वो। तब उनकी समझ खुल गई, और जब समझ खुली तब यीशु मसीह बोले अब तुम्हें शांति मिले। मतलब शांति कैसे मिलता है मालूम मेरे प्रियो? जब यीशु मसीह ने चेलों को सुसमाचार सुनाया, उन्होंने सुना, उन्होंने समझा, उनको शांति मिली। पहले अज्ञान थे करके अशांति थी, परंतु जब यीशु आए और उनको ज्ञान दिया, उनको उनको सुसमाचार सुनाया, और वो ज्ञान पाकर, वो सुसमाचार सुनकर उनको शांति मिली। कितनों को समझ में आया, कितनों को समझ में आ रहा, उनको क्या मिला? शांति, उनको शांति मिली। ये यीशु मसीह का काम है मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह का काम है। वो हमको क्या देने के लिए आए? वो हमको शांति देने के लिए आए। और मैं आपको बता दूं शांति का यहाँ पर मतलब क्या है। जब वो तीसरे दिन जी उठे तो वो जाकर चेलों के सामने अपने आप को प्रकट किए, और इसका एक अच्छा वचन समझाने के लिए एक अच्छा वचन वहां लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 27 वचन। देखिए क्या लिखा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हाँ, अपनी शांति, स्वर्गीय शांति, वो शांति जो मेरे पास है, वो स्वर्ग की शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। आगे, जैसे संसार देता है, हाँ? मैं तुम्हें नहीं देता। मैं संसार वाली शांति, झूठी शांति, अस्थिर शांति, धोखे वाली शांति नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और ना डरे, और ना डरे। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। इसका मतलब ये मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे कब्र से, तो वे चेलों के सामने प्रकट हुए, कलीसिया के सामने प्रकट हुए, और क्या कहे मालूम है? स्वर्ग जाने से पहले, स्वर्ग जाने से पहले मैं तुमको शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, अर्थात मैं तुमको स्वर्गीय संपत्ति दिए जाता हूँ, अपनी संपत्ति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। एक बाप मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चे को देकर जाता है, और क्या बोलता है मालूम है? बेटा देख मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपनी सारी संपत्ति मैं तुझे देकर जा रहा हूँ। और संपत्ति में क्या होता है? घर, पैसा, जमीन जायदाद, कार, भौतिक वस्तुएं, प्रॉपर्टी, ये पिता आशीष संपत्ति दे करके जाता है। वैसे ही मेरे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले अपनी कलीसिया को क्या बोले मालूम है? मैं तुमको शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, स्वर्ग की शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, वो शांति नहीं जो संसार देता है। इसी कारण तुम व्याकुल ना हो और तुम डरो नहीं, अर्थात मैं तुमको अपनी संपत्ति दिए जाता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग की संपत्ति दिए जाता हूँ, क्योंकि तुम मेरे वारिस हो। मैं तुमको भूखा नंगा नहीं छोड़ के जाता, मैं तुमको संपत्ति दिए जाता हूँ जो संसार की संपत्ति नहीं, मैं स्वर्ग की संपत्ति तुमको दिए जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और डरे नहीं। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमको अपनी संपत्ति दिए जाता हूँ, अर्थात शांति दिए। तो क्या है शांति मेरे प्रियो? यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमको जाने से पहले, स्वर्ग जाने से पहले मैं तुमको एक अच्छा स्वास्थ्य दिए जाता हूँ, मैं तुमको संपन्नता दिए जाता हूँ, मैं तुमको सफलता दिए जाता हूँ, मैं तुमको अमीरी दिए जाता हूँ, मैं तुमको जीवन दिए जाता हूँ, मैं तुमको अनंत जीवन दिए जाता हूँ,
मैं तुमको उद्धार दिए जाता हूँ, मैं तुमको तुम्हारे पापों की क्षमा दिए जाता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग दिए जाता हूँ, मैं तुमको रहने के लिए घर दिए जाता हूँ, मैं तुमको खाने के लिए भोजन दिए जाता हूँ, मैं तुमको पहनने के लिए कपड़े दिए जाता हूँ, और वो नहीं जो संसार देता है, परंतु मैं तुमको अपनी संपत्ति दिए जाता हूँ। संसार की शांति अस्थिर है, संसार का स्वास्थ्य, संसार की शांति, संसार की संपत्ति, संसार की आशीषें अस्थिर है, लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं मालूम है? अपना सब कुछ जो मेरा है वो सब तुमको दिए जाता हूं। अगर यीशु मसीह ने दे दिया है तो फिर बीमारी क्यों है? जब यीशु मसीह ने अच्छा स्वास्थ्य दे दिया है तो फिर बीमारी क्यों है? आपकी अज्ञानता और अविश्वास के कारण। जब यीशु मसीह ने अमीरी दे दी है तो यह कर्ज, गरीबी, आर्थिक घटी कमी क्यों है? आपकी अज्ञानता के कारण, आपके अविश्वास के कारण। अगर यीशु मसीह ने हमको हमारा उद्धार कर दिया है और हमारी सारी आवश्यकता जरूरतों को यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले पूरी कर दिया है, वो पवित्रता, वो धार्मिकता, वो सब कुछ, तो फिर आज वो सारी आशीषें, कई लोग बोलेंगे वो सारी आशीषें जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य, शांति, आनंद, जैसे कि अमीरी, सब कुछ आज हमारे पास में क्यों नहीं है? आपकी अज्ञानता के कारण, आपके अविश्वास के कारण, आपके सुसमाचार के न समझने के कारण, आपका यीशु मसीह का काम, पूरा हुआ काम न समझने के कारण आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपके जीवन में यीशु की वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति आपको नहीं मिल पा रही। क्यों पैसे के लिए संघर्ष है? आपका अविश्वास, अज्ञानता। क्यों संघर्ष है आपकी लाइफ में पैसों के लिए? क्यों संघर्ष है बीमारी से आपकी? क्यों संघर्ष है दुखों से आपका? क्यों संघर्ष है असफलताओं से आपका? आपको समझना पड़ेगा आपकी अज्ञानता, आपका अविश्वास के कारण, असुरक्षा की भावना। लेकिन प्रभु दे रहा है आपको आज ज्ञान, वो बता रहा, मैंने सब कुछ दिया, रिसीव करो और मुझसे अंगीकार करो, ग्रहण करो। परंतु अविश्वास जानते हैं क्या है? पहले मैं अमीर होऊंगा तब विश्वास करूंगा, यही है अविश्वास। पहले मैं चंगा होऊंगा तब विश्वास करूंगा, यही है अविश्वास। पहले मेरे कर्म अच्छे होंगे, मैं पवित्र होऊंगा तभी विश्वास करूंगा, यह है अविश्वास। पहले मुझे शांति मिलेगी तब विश्वास करूंगा, यह अविश्वास। आप क्या चाह रहे हो कि पहले वो दिखना चाहिए तब मैं विश्वास करूंगा, यही अविश्वास है। आपको पहले विश्वास करना है, विश्वास करने का, जब विश्वास करते हो और बोलते हो वो जो यीशु ने आपको दिया, यीशु ने आपको चंगाई दी, आप चंगाई बोल रहे हो, यीशु ने आपको संपन्नता दी, आप संपन्नता बोल रहे हो, यीशु ने आपको शांति आनंद दिया, आप शांति आनंद बोल रहे हो, तो आप ग्रहण कर रहे हो। आप जो विश्वास करोगे इसका मतलब आप उसको रिसीव कर रहे हो, और बिना बोले विश्वास अधूरा है। बिना पॉजिटिव कन्फेशन के, बिना सकारात्मक अंगीकार के आपका विश्वास अधूरा है। आपको वो बोलना है जो यीशु ने आपके लिए कहा है। यीशु ने कहा शांति मिले, स्वास्थ्य मिले, अमीरी मिले, सब मिले, तो आपको भी बोलना है मुझे मिल चुका है, आई रिसीव, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। आज बोला कि मिल गया और कल अशुभार है, प्रभु मैं धन दे रहा, धन, समझ नहीं रहे हो। अगर आप बोलते हो पहले धन आए, ये आपका अविश्वास है। पहले विश्वास करो धन आ जाएगा। आप बोलो अभी चंगाई है, ये आपका विश्वास है। आप अभी विश्वास करो मैं चंगा हूँ, चंगाई आ जाएगी। जैसे एक बात प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बॉटल को पकड़ो हाथ, ये बॉटल मेरे हाथ में आएगा तभी मैं विश्वास करूंगा। तो ये संसार का विश्वास है, ये आत्मिक विश्वास नहीं है, याद रखो। लेकिन जब आप विश्वास करो, आपके हाथ में नहीं है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, आप विश्वास करो मेरे पास में बॉटल है, मेरे पास में पानी है, अब मेरे को प्यास लगी है, मेरे को क्या लगी है? प्यास लगी है, मेरे को पानी चाहिए मेरे को, हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं विश्वास कर रहा हूँ, यस मेरे पास में बॉटल है और उसमें पानी है और मैं अभी पीऊँगा और मैं उसको पी रहा हूँ और मेरा प्यास बुझ रहा है। तुरंत क्या हो गया मालूम है? आत्मा तुरंत क्या हुआ मालूम है? अचानक से मेरे हाथ में बॉटल आ गया, समझ में आ रहा है? प्रभु किसी को भी भेजेगा बॉटल दे देगा और मैं पानी पीऊंगा, प्यास बुझाऊंगा। तो मैंने पहले विश्वास किया उसके बाद पानी मिला, प्रभु ने आपको दे दिया। पहले विश्वास करना पड़ेगा। और आप बोलते हैं हाँ मैं विश्वास तो करता हूँ लेकिन नहीं, यहाँ पे दर्द है, हाँ मैं विश्वास करता हूँ लेकिन बैंक में पैसा नहीं है,
हाँ मैं विश्वास करता हूँ, पहनने में कपड़ा नहीं। कौन सा विश्वास कर रहे हो आप? क्या विश्वास है आपका? बीते मीटिंग में गया था, प्रभु ने उनका नाम पुकार करके बोला आपको पथरी है, और आपका पथरी जा रहा है। नाम पुकार करके वो महिला आई और बोली मेरा नाम है और मेरे को पथरी है। मैंने कहा आप चंगे हो, गवाही दो कल। हाँ मैं गवाही दूंगी जब पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। मैंने कहा आप किस बात का विश्वास कर रहे हैं? आपका नाम पुकार के प्रभु बता रहा है आपको आपका यहाँ पर प्रॉब्लम है, आपको चंगाई दे रहा है, और हाँ चंगी हो जाए। किस बात का? मैंने डांटा उनको, किस बात का आप विश्वास कर रहे हैं? आप रोक रहे हैं, आप अविश्वास है आपका। कितों को समझ में आ रहा है? जब यीशु मसीह तीन बार चार बार आपके लिए भविष्यवाणी कर दिए कि तुम संपन्न होने जा रहे हो, तुम संपन्न होने जा रहे हो, तो रिसीव क्यों नहीं करते? रिसीव क्यों नहीं करते विश्वास के साथ? और ये क्यों नहीं बोलते मैं संपन्न हो रहा हूं, प्रभु तूने कहा मैं संपन्न हो रहा हूं, प्रभु तूने कहा संपन्न हो रहा हूं? आप बोलो नहीं पहले आएगा तब, नहीं आता आपके परिश्रम से नहीं आएगा, आपके विश्वास से आएगा वो, आपके कुछ करने नहीं करने से नहीं आने वाला वो। यीशु ने कर दिया, इसी का नाम अमीर हो आज। विश्वास करो और रिसीव करो अपने अमीरी को, अपने स्वास्थ्य को। आगे देखिए 20 से ना, हाँ ठीक है, देखिए सुनिएगा 20 से वचन। हाँ और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हाँ सुनो मेरे प्रियो, अब मुझे देखो, आप मुझे देखो, बाइबल में देखो कि नहीं समझ में आएगा, मैं प्रकाशन दिख रहा हूँ आपको। सुनो, आप मुझे देखो, सुनो ध्यान से। यहाँ पे लिखा और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। सुनो मेरे प्रियो, यीशु मसीह आए और उनको क्या कहे मालूम है? तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। क्यों तुम्हें शांति मिले? देखो तुमको शांति मिलने के लिए मैंने रसीद भर दी है, मैंने पेड़ी कर दी है। सुनो, वो अपना हाथ खोले और क्या दिखाए? देखो मेरे हाथ को, देखो ये खील, देखो ये खील, देखो मेरी पसली को, देखो मेरे पाँव को, देखो देखो ये रसीद है तुम्हारी शांति के लिए, ये रसीद है तुम्हारी चंगाई के, ये रसीद भर दी गई है तुम्हारी शांति के लिए, तुम्हारी चंगाई के लिए, तुम्हारी अमीरी के लिए, तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे स्वर्ग जाने के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए, तुम्हारी नौकरी के लिए, तुम्हारी बिजनेस के लिए मैंने बिल पेड कर दिया। उन्होंने अपना छेदा हुआ हाथ बोला लो देखो रसीद चुक चुकी है, पट चुकी है, बिल पेड हो चुका है। यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें अमीरी मिले, तुम्हें जीवन मिले, तुम्हें स्वर्ग मिले, तुम्हें पवित्रता मिले, तुम्हें धार्मिकता मिले। और क्यों मिले? क्योंकि इसको तुम, इसको तुमको देने के लिए मैंने बिल पेड किया है, मैंने रसीद काटी है, मैंने इस रसीद को भरा है। देख लो रसीद, देख लो रसीद। लेकिन आपको मैं बताऊं मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब आए तो चेले पवित्र शास्त्र की इस बात को समझ सके, यीशु ने उनकी समझ खोल दी थी। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ये बात कहता हूं, उनकी ओर से आपके भी समझ खुल रही है। देखो यीशु के वो छिदे हुए हाथों को देखो, बाइबल में पसली में वो भाला मारा गया। देखो आपको मालूम है मेरे प्रियो, जब भाला मारा गया था ना, वो मनुष्य ने यीशु से अपनी शत्रुता को निभाया था, अपनी शत्रुता को निभाया भाला मारकर। लेकिन एक बात बता रहा, जैसे ही भाला अंदर गया और यीशु का जब लहू बहा, जब यीशु का लहू बहा, मनुष्यों ने तो शत्रुता निभाया भाला मारकर, समझ में आ रहा है, लेकिन यीशु ने अपने लहू बहाकर अपने शत्रुओं से ही अपना मेल मिलाप कर। हमने कई बार यीशु को भाला मारा है, शब्दों के द्वारा, विचारों के द्वारा कई बार हमने यीशु को भाला मारा है, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर पिता से हो गया। शत्रुओं का मेल मिलाप हुआ है मेरे प्रियो, पापियों का मेल मिलाप हुआ है, व्यभिचारियों का मेल मिलाप हुआ है यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से। यह है सुसमाचार, यह है सुसमाचार। अब देखो चेले जो भयभीत थे, जो डर रहे थे, अब चेले देखो जैसे ही उन्होंने देखा रसीद को, पढ़ो तो 20। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। अच्छा, तब चेले प्रभु को देखे, कब चेले प्रभु को देखे? जब चेले ये रसीद देखे, तब यीशु मसीह ने चेलों को अपने हाथ दिखाए
हाथ दिखाए, तब चेले यीशु को देखे, लिखा बाइबल में। चेले सबसे पहले यीशु मसीह के पूरे हुए काम को देखे, वो बिल पैड को देखे, वो रसीद को देखे। और जब चेले, जब कलीसिया यीशु मसीह के पूरे हुए काम को देखती है, तब वो यीशु मसीह उनको दिखते हैं। और जब यीशु दिखेंगे, उनका जीवन आनंद से भर जाएगा। आप कब आनंद से भरेंगे? जब आप यीशु को देखेंगे। आप कब यीशु को देखेंगे? जब आप यीशु के पूरे हुए काम को समझेंगे। जब उन्होंने ये देखा, तब उन्होंने यीशु को देखा तो आनंद से भर गए। अर्थात डर चला गया, बीमारी चली गई, गरीबी चली गई, असफलता चली गई, आर्थिक घटी कमी चली गई, बेरोजगारी चली गई, नरक चला गया, पाप चला गया, हो क्या गया, जीवन के हर एक क्षेत्रों में आनंद आ गया। आनंद आ गया, इसको कहते हैं खुदा की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आप अगर ये समझते हैं यीशु परेशानी में, यीशु आपके साथ नहीं है, तो आप अज्ञानी अविश्वासी हैं। कारण क्या? आप यीशु के पूरे हुए काम को अब तक नहीं समझ पा रहे, अब तक देख नहीं पा रहे। लेकिन एक बात बता दूं, लूका 24 और उसका 45। तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए उनकी समझ खोल दी। तब यीशु मसीह ने चेलों को पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ये आंसर खुदा ने मेरे को दिया और मेरे को अच्छे तरीके से मालूम है, प्रभु ने आपकी समझ खोल दी है। आपकी समझ खोल दी है प्रभु, और आप समझ रहे हैं यीशु मसीह। आनंदित हो जाइए जीवन के हर एक क्षेत्र में। अपनी नौकरी में आनंद कीजिए, बिजनेस में आनंद कीजिए, पढ़ाई में आनंद कीजिए, घर में आनंद कीजिए, बाहर आनंद कीजिए, हर जगह में आनंद कीजिए। लेकिन आपके आनंद का मूल कारण जानते हैं क्या है? यीशु को देखना। आप यीशु को कब देखते हैं? कब आपको यीशु प्रकट होता है? जब आप यीशु के पूरे हुए काम को देखते हैं। यीशु का पूरा काम मालूम है ना? यीशु ने आपकी बीमारी का अपने ऊपर ले लिया, कोड़े खाए, आप चंगे हो जाओ इसको देखो, वो कंगाल होगा आप धनी हो जाओ इसको देखो, उसने आपकी शांत, उसने उस पर ताड़ना पड़ी ताकि आपको शांति मिले इसको देखो, उसने आपको शांति दी बोला इसको देखो। जो यीशु ने बोला वो बोलो, जो यीशु दिखाता है वो देखो। आपका शरीर क्या बोलता है वो मत देखो। हालेलुया। क्या चल रहा है परिस्थिति मत देखो, यीशु ने जो बोला ना उस पर कायम रहो और खड़े रहो। तो क्या होगा मालूम है? जेब में पैसा नहीं है लेकिन आनंद कर रहा। इसलिए आनंद नहीं कर रहे हो कि जेब में एक पैसा नहीं है, इसलिए आनंद कर रहे हो क्योंकि आप विश्वास में हो, जेब में आज एक पैसा नहीं है, कल के डेट में मेरा बैंक और एक नहीं कई बैंक मेरे भरे होंगे। ना डरो और ना घबराओ मेरे प्रियो। देखो प्रभु ने कैसे और किस रीति से चेलों को उसके उनके डर पर विजय दिया।